लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इसके बावजूद कि पूरी तैयारी थी वहाँ मुझे बड़ी देर तक जेल में रखने की और केसेस तैयार हुए हुए थे कि एक में से मैंने निकलना था तो दूसरा केस लग जाना था और जब मैं निकलना भी था वहाँ से, जब मोजेस जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उन्होंने मुझे बेल दे दी तो फिर भी बाहर वहाँ पुलिस इंतज़ार कर रही थी। एमपीओ, एक एमपीओ चीज़ होती है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसमें इन्होंने पकड़ लेना था। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा ये भी करता हूँ कि आज जो हमारी जमहूरियत है वो सिर्फ एक, मैं बार बार कहता हूँ कि एक छोटे से धागे से लटक रही है और वो बचाने वाला हमें इस जमहूरियत को वो है हमारी अदलिया, और उस अदलिया के ऊपर पूरी तरह ये माफिया वारदात कर रहा है। तो मैं पहले तो अपनी कौम को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने अदलिया और अपने आइन के साथ जुड़ के खड़े हो जाए, क्योंकि कहीं इन्होंने ये जो माफिया, मैं माफिया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सिर्फ जाती मफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इनका कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई अपने पैसे बचा रहा है, कोई अपनी कुर्सी बचा रहा है, लेकिन इनको फिक्र नहीं है कि मुल्क डूबता जा रहा है। तो ये एक रास्ते में जो अदलिया इनको रोक के रखा हुआ है और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, उसके ऊपर अब पूरी वारदात है। याद रखें, नवाज शरीफ ने जब दो तहाई अक्सरियत ले ली तो उसके रास्ते में सिर्फ उसने देखा अदलिया है, एक चीफ जस्टिस, एक ईमानदार दयानतदार चीफ जस्टिस, तो उसने उसको गवारा नहीं किया, हमला किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और डंडों से चीफ जस्टिस को, यानी कभी ऐसी दुनिया की जमहूरियत में ऐसा मनाजर नहीं हुए कि डंडे मार के उस चीफ जस्टिस को और डरा के उसको भगाया और फिर पैसे चलाए, ब्रीफ केस जो माफिया ऑपरेट करता है, या एलिमिनेट करता है और या फिर खरीदता है। तो आज़ाद अलिया को उसने तबाह किया, और जब आज़ाद अलिया जाती है तो ये याद रखें कि उस मुल्क में आपकी आज़ादी चली जाती है, क्योंकि आज़ाद अलिया आइन के मुताबिक आपके जो बुनियादी हकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी हिफाजत करती है। मैं ये बार बार आपको इसलिए बताता रहता हूँ, मैं ख़ास तौर पर जो मुझे उम्मीद है अपने नौजवानों से, कि आपको समझना चाहिए कि हम क्यों, यानी क्यों सारी दुनिया हमारे से आगे निकल गई है, क्यों हमारे इतने बुरे हालात हैं, बुनियादी वजह इंसाफ ना होने की है। तो मैं ये बार बार आपको समझाता हूँ कि 27 साल पहले जब मैंने इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, मकसद ही ये था, इंसाफ होता है मुल्क आज़ाद होता है, वो मुल्क खुशहाल होता है। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, ना वह आज़ादी होती है, ना वह जमहूरियत होती है, ना वह खुशहाली होती है। तो इस वक्त सारी कौम को खड़ा होना चाहिए अपनी अदलिया के साथ, और मैं उनका ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह उन्होंने कानून के मुताबिक जो बोगस केसेस मेरे ऊपर बनाए हुए हैं एक के बाद दूसरा, 145 केसेस बनाए हुए हैं, अदलिया एक ही जगह हम जाते हैं उम्मीद लेके, और वो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे जेल में से बचाया। उसके बाद मैं जो पब्लिक निकली, और मैं बात कर रहा हूँ जो पुरमन पब्लिक निकली, क्योंकि मेरे चाहने वाले, मेरे जो वोटर्स हैं, जो मेरे साथ जो मेरे कारकुन हैं, ये हमेशा 27 साल हमेशा हम पुरमन रहे हैं। हमने कभी, जितनी भी हमें हमारे इश्तियाल डलवाया जाए, डाला जाए, कोशिश की जाए कि हम किसी तरह प्रोवोक हों और हम कुछ गलत करें, मैं फख्र से कहता हूँ कि 27 साल की सियासत में हमेशा हम पुरमन रहे हैं। मुझे 25 मई कभी नहीं भूलेगा पिछले साल, और जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स, ये हैंडलर्स जो हैं, इन्होंने पीछे से जोर लगाया था पुलिस को, क्योंकि हमने जब पुलिस, जब बाद में मुझसे पूछा, क्योंकि हमारी पंजाब में गवर्नमेंट थी, तो हमने पूछा कि तुमने हरकतें की थी,
उन्होंने कहा जी पीछे से ऑर्डर थे, वो चिड़ियाघर से ऑर्डर आते थे तो वो हमें हुक्म करते थे। मैं कहा तुम लोगों के घरों में 3-3 बजे घुस के तुमने जो हरकतें की, लोगों को उठाया, जो मारा, ना चादर ना चार दीवारी ना औरतों की परवाह की। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई शर्म नहीं आई, कोई आपका तो काम है कानून के मुताबिक चलना। कहते जी नौकरी का सवाल है, हुक्म आता है वहां से, मानना पड़ता है जो कि पीछे से हुक्म आता है हैंडलर्स का। तो हमारे ऊपर जुल्म हुआ। 26 को सुबह को मैंने वहां धरना देना था इस्लामाबाद में, मैंने धरना खत्म किया उसी वक्त, क्योंकि मुझे पता था कि लोगों को गुस्सा था उस वक्त जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, फैमिलीज पे शेलिंग की, लोगों के घरों में घुसे, मुझे पता था इंतजार की तरफ जाना है। सबको पता है कि मैंने 26 की सुबह को जैसे ही मैं इस्लामाबाद अभी डी चौक भी नहीं पहुंचा, मैंने कहा खत्म। उसके बाद मुझे गोलियां लगती हैं, कत्ल करना, मुझे पता था, पहले से प्लान बना हुआ था, मैं कई दफा आपको बता चुका हूं कौन कौन उसके अंदर मुलव्वस था। मुझे सारे जो जो फनकार जो अदाकार उसके अंदर थी, मुझे सबके नाम पता है ऊपर से लेके नीचे तक, जितने हम समझते हैं कि वो एक का नाम जो लेता हूं उससे भी ऊपर का भी मुझे पता है कि इसने गो हेड ग्रीन लाइट किसने दी थी, कौन ऊपर दो लोग थे जिन्होंने उसको इस आदमी को ग्रीन लाइट दी थी, और फिर इनके साथ वो जो सिविलियन मिले हुआ था जो राना सनाउल्लाह और वो शहबाज शरीफ। मुझे जब गोली लगती है, क्या मैं नहीं, जब एक कत्ल अल्लाह बचाता है मुझे, क्या तब इंतजार नहीं होना चाहिए था, तब क्यों नहीं तोड़ फोड़ हुई, तब क्यों नहीं गिराओ झलाओ ये जो हुआ है? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा फलसफा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपनी पार्टी को इस तरफ लगा देते हैं, अगर पार्टी एक दफ़ा पार्टी को खून लग जाता है, जिस तरह हम जब कराची में पार्टी बनाने लगे तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो अगर आपने पार्टी बनानी है तो आपको मिलिटेंट विंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि MQM के पास मिलिटेंट विंग है, बाकी भी जमातें उनके सामने सबके पास उन्होंने मुसल्ला लोगों को रखा हुआ है, आप भी रखें। ये आज से 25 साल पहले की बात है। मैंने तब उनको समझाया कि जिस वक्त आप अपनी पार्टी में मुसल्ला लोगों को रखते हैं उस वक्त आपकी पार्टी की सारी फितरत ही बदल जाती है। वो आपके भी अगर आपके लिए समझते हैं ना कि हमें वो हिफाजत करेंगे, वो फिर दूसरी तरफ अपने काम करने पर शुरू लग जाते हैं, कब्जे शब्जे बंदूकें पकड़ के फिरते हैं। मैंने कहा मैं नहीं करता, हमारी पार्टी बढ़े ना कराची में, क्योंकि जो वो डर होता था कि MQM की उस तरह खौफ होता था कि जी हम हिफाजत कैसे करेंगे अपने आप को उनसे। सो मैंने कभी ये नहीं किया। उसके बाद ये 26 नवंबर आई, कम अज कम 4 लाख लोग थे पिंडी के अंदर, सिर्फ हमने जाना था वहां से वॉक करके इस्लामाबाद, वहां इन्होंने पुलिस जमा की हुई थी। फिर मुझे पता चला कि मैंने कहा वैसे लोगों को, एक तो था कि मुझे गोलियां लगी पहली दफा, मैं खैर उस वक्त में ठीक भी नहीं था, वही कॉल ऑफ कर दिया, वापस आ गया वहां से। लोग मायूस हुए कि जी आप बहुत सारे तैयार हुए थे इस्लामाबाद जाने के लिए, क्योंकि 3 दफा हमारे खिलाफ धरने दिए गए थे ये PDM के लोगों ने, 1 FIR नहीं काटी थी किसी के ऊपर, मौका दिया आए जी आए बेशक। इन्होंने 25 में पे भी हमारे ऊपर पता नहीं कितनी हजारों FIR काटी। फिर उसके बाद मैंने जब देखा कि अगर हमारा ही हक था, पुरमन एहतजाज हमारा हक है, हमने नहीं किया। मैं उसके बाद आगे आ जाता हूँ 8 मार्च को। 8 मार्च को सबको पता है यहाँ क्या हुआ, इलेक्शन रैली शुरू हो रही है, पता चला जनाब दफा 144 लगा दिया, इलेक्शन रैली, इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, दफा 144 कैसे लगता है? पूरा प्लान किया हुआ था इन्होंने, एक प्लान के तहत चाहते थे कि तशद्दुद हो या इंतजार फैले, क्योंकि इलेक्शन से भाग रहे हैं। सो एक चीज बुनियादी चीज आप सबने समझ ली, जो लोग इलेक्शन चाहते हैं वो इंतजार नहीं चाहते, जो लोगों को खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन में इनकी तबाही हो जानी है और इनका नामोनिशान खत्म हो जाना है, वो इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, लिहाजा वो चाहते हैं इंतजार। ये अब बुनियादी पॉइंट समझ है। और मैं सारा वक्त अपने लोगों को, जब जिले शाह का इन्होंने तशद्दुद करके उसको कत्ल, उसकी जब डेड बॉडी की तस्वीरें आई, यहाँ गुस्सा था। हमने अगले दिन फिर रैली अनाउंस की, इन्होंने हमें इजाजत नहीं दी
सबने कहा जी हम आप करेंगे रैली, कैंसिल की। उससे अगले दिन अदालत से इजाजत लेके फिर रैली की, सब कानून के बीच में रह के किया। तो मैं अब आता हूं जो मेरे घर से हुआ। पहले तो यहां इन्होंने गैर कानूनी तौर पे मेरे घर पे हमला कर दिया, 24 घंटे मेरे घर के ऊपर हमला किया इन्होंने, कोई इसकी तारीख नहीं है पाकिस्तान में। हमने कोई उसके बाद ऑर्डर नहीं किया कि जलाओ घराओ अटैक करो लोगों को। 18 तारीख को मार्च को जब मैं इस्लामाबाद जाता हूं मैजिस्ट्रेट के अदालत में, मैं जब वहां टोल प्लाजा इस्लामाबाद पहुंचता हूं, मेरे घर पे अटैक कर देते हैं आर्मर्ड कार से, 72 बंद गाड़ी से मेरा दरवाजा तोड़ते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बगैर, बल्कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला होता है कि सिर्फ 2 आदमी आ सकते हैं सर्च वारंट के साथ, फैसला था उनका, 45 लोग यहां दरवाजा तोड़ के पुलिस वाले करके सबको घर लूटना, जो चीज मिली चोरी की, तबाह की, लोगों को मारा धाड़ा, हड्डियां तोड़ दी बेचारे लोगों को, उठा के ले गए लोगों को, अकेली बुशरा बेगम यहां थी। हमने फिर भी ऑर्डर नहीं किया, गुस्सा मुझे बहुत था। मैं ये आपको कहूं कि मुझे कभी भी गुस्सा आया है कि खातून पर्दादार अकेली घर में बैठी है और चारों तरफ आवाजें आ रही हैं, ऊपर नीचे पुलिस कि वो मार रहे हैं, वो चीखें उनकी आवाजें आ रही है खिड़की के बाहर, लोगों को मार रहे हैं डंडों से, अकेली खातून, कोई शर्म कोई गैरत नहीं थी इनमें। सबसे ज्यादा मुझे वो सता था। मुझे 18 तारीख को वहां कत्ल करने की कोशिश करते हैं उसी दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर। कोई मैं नहीं कहता कि जी हम मूल के अंदर सारे निकल जाओ बाहर अटैक करो, कुछ कोई नहीं कहता। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हुआ है, क्योंकि मैं तो, मुझे कल से खबरें मिलनी शुरू हुई, क्योंकि मुझे, मैं तो नज़र बंद था ना, मुझे तो पता ही नहीं हो क्या रहा था। मुझे तो जब ये उठा के लेके गए हैं तो मुझे तो उसके बाद तो पता ही नहीं क्या हुआ है। तो कल से आज तक, अब आज भी दिन को मुझे देर भी हुई आपके पास आने की, कि मैं फैक्ट्स ले रहा था कि ये हुआ क्या है, कि हमारे ये तो हम हैं ही नहीं। यानी हमारा, मैं हमेशा अपने लोगों को बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिधर फैमिलीज आती हैं। आप उठा के देखें हमारे जलसों में बच्चे और औरतें आती हैं, फैमिलीज आती हैं, कभी किसी पार्टी के पास आई है। सेपरेट औरतों का इंक्लोजर होता है, फैमिलीज का भरा हुआ होता है, बल्कि वो सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है। तो हम चाहेंगे इंतजार। अगर एक पार्टी की कॉल पर पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इस तादाद के अंदर ख्वातीन निकलती हैं तो आप इंतजार चाहेंगे? तो मैंने तुम सबको कहा हुआ है कि हमेशा वो चीज करो, इंतजार से बचो। हमने कभी इंतजार में नहीं पड़ना। तो जो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे अब चीजें सामने आ रही हैं, तो मैं इसलिए आपके सामने, थोड़ी मुझे देर भी हुई, तो पहले तो मैं जरा बताना चाहता हूं कि मैं निकलने से पहले, जब मैं इस्लामाबाद निकलने लगा था, मुझे पता था इन्होंने करना, हालांकि मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, सब बेल्स थी, लेकिन ये इतने बदनीयत और घटिया लोग हैं, और 145 केसेस थे, सब में बेल्स थी। मुझे ये खबर मिल गई कि इन्होंने मुझे पकड़ना। मैं ये चाहता हूं कि पहले देख लें कि मैं निकलने से पहले क्या कहा था और फिर मेरे से हुआ क्या। तो अब आप देखें कि चलने से पहले मैं कह रहा हूं कि देखिए आप हमें वारंट दिखाएं, और लेकिन वो रेंजर्स का क्या काम था? ये तो पुलिस को आना चाहिए था, फौज का ये काम था करने के लिए।
और उसके बाद दरवाजे तोड़ के लोगों को मारा, जख्मी किया इन्होंने, मेरे सर पे मारा इन्होंने, और उसके बाद इस तरह लेके गए कि सारी दुनिया ने देखा कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा, वो पाकिस्तानी जिसको सारी दुनिया और पाकिस्तान 50 साल से जानता है, पहले क्रिकेट से मुझे 20 साल जानते थे, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खैराती काम किए हैं, जिसने बड़े खैराती इदारे दुनिया में और होता नोबेल प्राइज मिलता उन्हीं के ऊपर, दो बड़े कैंसर हॉस्पिटल, तीसरा बन रहा है, एक यूनिवर्सिटी, सब खैराती, और फिर अलकादर जिसके ऊपर मैं बाद में आता, तो उसको इस तरह पकड़ के, जिसका जिसने अपनी सारी 50 साल का जो पब्लिक लाइफ है, एक क्रिमिनल केस नहीं था, तो पिछले चंद महीने के अंदर 145 केसेस कर दिए, दहशतगर्दी के, गद्दारी के, कि किसी को डर्टी हैरी कह दिया और साइकोपैथ, गद्दारी मुल्क से गद्दारी हो गई, जो यानी एक दिन में 15 क्रिमिनल केस, बड़ा से बड़ा भी जो जो होता है डकैत या क्या कहें वो मुजरिम, वो भी 15 एक दिन में केसेस क्रिमिनल क्राइम्स नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद ये सारी दुनिया के सामने जो इन्होंने मुझे जलील किया, चले अल्लाह के हाथ में जलत है, लेकिन उसका मैसेज क्या गई? क्या आपका ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम ये समझ जाएगी कि क्योंकि आप मुझे इस तरह पकड़ कि मैं वाकई करप्शन में, मैंने कोई करप्शन किया? और मैं यहाँ सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर केस क्या था, ये जरा समझ जाए केस क्या था। मैंने फैसला किया कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना के मैंने इस मुल्क के अंदर सीरत नबी को प्रमोट करना है, क्योंकि हमारी अखलाकियात तबाह हो चुकी है, हमारी मोरालिटी गिर चुकी है, मोरालिटी गिरी हुई है तो इस तरह के चोर उचक्के सारे मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं, एक से एक बड़ा मुजरिम जुराइम पेशा आदमी आज मुल्क के ऊपर बैठ गया है। तो जब आपकी मुल्की अखलाकियात खत्म होती है, मुल्क तबाह हो जाता है। मेरा अलकादर यूनिवर्सिटी का मकसद बनाने का था क्या कि इस मुल्क के अंदर एक नई लीडरशिप पैदा हो, जो कि सीरत नबी के ऊपर, जो दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर थे, उनकी क्वालिटीज आए उनके अंदर, कि वो क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज थी कि उन्होंने सारी दुनिया का नक्शा बदल दिया, और क्यों अल्लाह हुक्म करता उनकी सुन्नत पे चलो। तो वो मकसद वो तौर पर सूफीज्म और रूहानियत के ऊपर, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए, तो ये मकसद था उसका। तो ये फैसला होता है दिसंबर में, दिसंबर 2018, ये जरा सुनते रहे। एक स्पॉन्सर आता है, वो कहता है मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है कि इस वक्त मैं एक कैंसर हॉस्पिटल जिसका खसारा 9 अरब रुपया है हर साल का, 75% कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज देने का, पेशावर में दूसरा कैंसर हॉस्पिटल, कराची के अंदर तीसरा कैंसर हॉस्पिटल जो कि सबसे बड़ा है, जो 30 अरब रुपए का बन रहा है, नमल यूनिवर्सिटी चल रही है जो कि 1000 एकड़ के अंदर है, ये तो कोई 300 कुछ कनाल है, वो 1000 एकड़ के अंदर है, वहां भी 90% बच्चे नौजवान मुफ्त डिग्रीज ले रहे हैं। तो ये कोशिश ये थी कि यहां भी हम एक सेंटर सेटअप करें ताकि लीडरशिप निकले पाकिस्तान में जो एक सादिक और अमीन हो। तो ये मकसद था उसका। ये होता है फैसला नवंबर में। 15 मई 2019 को मैं इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करता हूं जाके एज प्राइम मिनिस्टर। ये रिकॉर्ड देख लें। केस ये कौन सा है? एनसीए का जो केस ये बात कर रहे हैं, जो कैबिनेट में आता है, वो दिसंबर में आता है, 7 महीने के बाद ये बंद हो रही होती है यूनिवर्सिटी, पैसा एलोकेट हो जाता है। उसके 7 महीने के बाद बनी वहां ये एनसीए का केस आता है। वो सिंपल केस है, वो भी कोई मुश्किल नहीं। हमारे पास ये चॉइस रखी गई कि पता नहीं $170 बिलियन आ रहा है पाकिस्तान, या लेकिन उसके लिए आपको एक अग्रीमेंट हुई है मलिक रियाज और एनसीए में, तो लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल है। तो अगर आप कॉन्फिडेंशियल मानते हैं तो वो पैसा आ जाता है पाकिस्तान में, अगर आप नहीं मानते तो आपको अदालत जाके वहां आना पड़ेगा, लिटिगेशन करनी पड़ेगी। हमें बताया गया
कि 100 मिलियन डॉलर हम जाया कर चुके हैं फॉरेन लिटिगेशन में, तो वो जब केस जाएगा वो कई साल चलेगा। लिहाजा हमने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में वो 170 मिलियन आता है या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान आ रहा है ना, उसके ऊपर मेरे ऊपर करप्शन केस है। ये केस कहते हैं जनाब आपने अल कादर यूनिवर्सिटी से फायदा उठाया है, अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, उसके सारे ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, वो सारे आपको पता है, बताएं किधर से फायदा उठाए, वो कोई नहीं बता रहा, ये नहीं नैब बता रही फायदा, वो कहते जी आपको कोई फायदा हो, क्योंकि आपको अल कादर बनाना था लिहाजा आपने उसको मलिक रियाज को, जब सारी कैबिनेट का फैसला था, नहीं आपने इसलिए किया है क्योंकि आपने वो अल कादर यूनिवर्सिटी बनानी थी जिसमें मुझे कोई जाती फायदा नहीं है, जिस तरह ना मुझे नमल यूनिवर्सिटी से है ना मुझे शौकत आलम से है, क्योंकि वो ट्रस्ट है, वो मेरी जाती मलकियत तो नहीं। उसके ऊपर ये सारा ड्रामा हुआ कि जी इमरान खान के ऊपर करप्शन केस हुआ, इसके ऊपर उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे एक दहशतगर्द की तरह पकड़ के लेके जा रहे थे। और दूसरा मेरी बीवी, अब मैं मुझे जो इससे ज़्यादा अपने से ज़्यादा तकलीफ है कि मेरी बीवी का नाम भी ट्रस्टी में है। क्यों है ट्रस्टी, क्या होता क्या पहले, क्योंकि कौम को समझना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैंने कभी इस तरह का कंट्रोल टेलीविजन नहीं देखा जो आजकल टोटल कंट्रोल करके पीछे से उनको हुक्म आता है नामालूम अफराद का, धमकियाँ आती हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि इमरान खान को नहीं दिखाना, फलानी चल इसके लिए कोई अच्छी चीज़ दिखे नहीं, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, तो इतना झूठ बोला जा रहा है। लोगों को बताएं कि ट्रस्ट होता क्या है, ट्रस्ट जो ट्रस्टीज होते हैं ना उनको कोई तनख्वाह मिलती है, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, सिर्फ ट्रस्टी वो होता है जिसको जो दिल से कोई खराती काम करना चाहता है। अब बुशरा बेगम, बल्कि मुझे सीरत नबी को जो समझा हूं मैं तो बुशरा बेगम की वजह से समझता हूं, क्योंकि उनकी उनकी बहुत ज्यादा इसके ऊपर उनकी नॉलेज है, तो उनको मैंने ट्रस्टी रख दिया, उसके ऊपर भी वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, मेरे घर पे हमला कर दिया फिर से आके, यहां टेयर गैसिंग शुरू कर दी, उनको कहा पकड़ के जेल में डालना। मैंने ऐसी कभी बेगैरती इस मुल्क में नहीं देखी। वो आदमी ये नैब का चेयरमैन, ये जो जनरल है, अगर इसने ये ऑर्डर किया और किया इसी नहीं होगा, और इसके हैंडलर्स ने पीछे से इसको कहा होगा, क्योंकि मैं आज तो वो जो पहला नैब के चेयरमैन आफताब सुल्तान जिन्होंने रिज़ाइन किया, उसने कहा मैं गलत काम नहीं करता, मैं आज उसको सलाम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नैब के ज़रा लोगों से मिला था, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था वो इतना प्रिंसिपल्ड आदमी। ये बेज़मीर आदमी, इसको शर्म नहीं आई कि वारंट निकाल रहे ट्रस्ट के ऊपर, एक ट्रस्टी होने पे। एक तो ये जाहिल होगा क्योंकि इससे कोई बेहतर केस ही ढूंढ लेता, क्योंकि और केस कोई मिल नहीं रहा था। दूसरा शर्म नहीं आई कि एक घर की पर्दादार खातून के ऊपर आपने एक वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, और यहाँ पुलिस आ गई उसको पकड़ने के लिए, शर्म नहीं आई? घर में आपकी औरतें नहीं हैं, या आप इतने बेशर्म हैं कि आपकी औरतों से ये कुछ करेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? आप इतने बेगैरत हैं, आप भी बेगैरत हैं, और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है, क्योंकि किसी कोई गैरतमंद आदमी, ऑनरेबल आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो आपने की है। बेजमीर भी हैं, बेगैरत भी हैं, छोटी सी तनख्वाह के ऊपर अपना जमीर बेच रहे हैं आपकी, ये इतनी सी औकात और कीमत है। तो मैंने, अब मैं आगे चलता हूं, लो जी उसके बाद मुझे नहीं पता हुआ क्या, मुझे तो उन्होंने बंद कर दिया। तो जब मैं निकला सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे जजेस ने, मैं तो सीधा वहां से सुप्रीम कोर्ट गया, उन्होंने मुझे पूछा कि यहां तो बड़ा इंतजार हुआ है, तोड़फोड़ हुई है। मैंने उनको कहा कि ये हमने कभी ऐसी चीजें नहीं की, तो पहले भी चले कम से कम गोलियां जब लगी थी तब तो तोड़फोड़ होती ना, तब तो सबको पता था, मैंने तो नाम ले लिया था कि कौन जिम्मेदार है, मैंने तो उस ISI के जनरल का नाम ले लिया था, तो तब क्यों नहीं उन्होंने अटैक किया, अब क्यों नहीं लोगों को घरों में या जाके क्यों नहीं हमला किया? तो जो आपसे मुझे पास मालूमात आ रही हैं, मैं ये चाहता हूं कि ये एक छोटी सी आप जरा वीडियो देख लें, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये हुआ क्या है, क्योंकि मुझे अभी तक, मैं चाहता हूं इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और इंडिपेंडेंट हो। मैं चाहता हूं जो भी सरकारी बिल्डिंग्स जलाई गई हैं,
इन्वेस्टिगेशन हो के इसके पीछे कौन था। मैं चाहता हूं कि जो बेचारे नौजवान नहाते नौजवान जो एक हकीकी आजादी के लिए और जो उनका उनका हक है कि पुरमन एहतजाज करना जो हमेशा हमने किया है, उनको सीधी गोलियां मारी गई हैं। और जो पता नहीं कितने सौ लोग इसको पड़े हुए हैं, गोलियां उन्हें लगी हुई हैं जो अस्पतालों में पड़े हैं, मैं सब के ऊपर इंक्वायरी चाहता हूं, लेकिन इनसे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, आप अपने नीचे कोई पैनल बनाएं इंडिपेंडेंट। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि मुझे इंसाफ नहीं मिलने लगा क्योंकि मुझे पता था जिन्होंने मुझे गोलियां मारी हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वो नहीं यहाँ इन्वेस्टिगेशन होने देंगे, ये आज भी नहीं होने देंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि इसमें बड़ी जो मुझे चीज़ें पता चली, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें पता चलेगी इस कौम को कि कौन ये चाहता था कि इंतशार हो और किसने फ़ायदा उठाया इसका। इसका फ़ायदा उठा के जो ये बड़ी देर से चाह रहे थे, सारी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाल दी। अब तक 3,500 वर्कर हमारे पकड़ के जेल में डाल दिए, अभी भी पकड़ रहे हैं वर्कर्स, और सिर्फ मौके का फायदा उठाया इन्होंने। मैं अभी आपको बताऊंगा कि बाकी इन्होंने क्या किया। इसको इसकी आड़ के अंदर के जी बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात है, उसने क्या क्या जुल्म किया है, उसको उठा के बहाना बना के इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। वो जो ये पहले से ही चाहते थे, केसेस तो पहले ही हो रहे थे, पहले हमारे एक दफा इन्होंने 5,000 वर्कर पकड़ लिए थे। तो लेकिन ये जरा आप ये जरा वीडियो देखें प्लीज। आवाज तो है, सो ये जो हुआ है, मैंने जितना भी पूछा, मेरे पेशावर में दो एक्स मिनिस्टर्स, एक गवर्नर, वो कहते जी हमने ये ऐसे लोग ही नहीं देखे थे। अब जब उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, तो शाह फरमान उससे भी उन्होंने लड़ाई की। दूसरा हमारा शौकत यूसुफ है, जब उसने रोकने की कोशिश की, जो मिनिस्टर था उसके उन्होंने कपड़े फाड़ दिए। ये कौन लोग थे? हर जगह से खबरें आई। अभी यहाँ से जब हमारी लोग जमा हुए हुए थे इधर लिबर्टी चौक में, उन्होंने कहा कि हम अजीब अजीब लोग देख रहे थे। हाँ, एक तो जनरल पब्लिक है ना, वो तो हमारी आती है, लेकिन ये अजीब किस्म के लोग थे। जब उन्होंने देखा कि वो सारों को इश्तियाल दे रहे थे कि चलो वो उधर चलें, तो उधर फलाने कैंटोनमेंट में चलें, यानी वो लोगों को इश्तियाल दे रहे थे। और ये जो आपने देखा ट्रक से उतरते हुए नामालूम, ये सफ़ेद कपड़ों में, यही लोग मैंने जब मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मेरा कत्ल करने का प्लान था, वहाँ इसी तरह के लोग थे, उन्होंने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। एक और प्लान इन्होंने किया था मुझे यहाँ कत्ल करने का, तब भी था कि वो हमारे कपड़ों में यहाँ आएंगे और यहाँ से गोली चलाएंगे ताकि हमारे पर ही हो। जो हुआ अब, ये जो गोली चली है,
ये गोली किसने, यानी कौन जिम्मेदार है इसका, क्योंकि हमारे में तो किसी ने गोली नहीं चलाई। सो देखिए, ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर से कहता हूँ, मैंने कभी किसी किस्म का इंतशार, मैंने कभी किसी किस्म का वायलेंस की आज तक अपनी पार्टी को इजाज़त नहीं दी, क्योंकि हम वो पार्टी हैं जो कि हम आईन और कानून के बीच में इलेक्शन जीत के आना चाहते हैं। हम कोई इस तरह के हरबे नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ये माफिया जो जो बना हुआ है। लेकिन इन्होंने, मैं ज़रा, मुझे जो ख़ास तकलीफ हुई, जो औरतों से इन्होंने किया, यानी कौन औरतों से इस तरह, ये क्या, ये हमारे मुल्क की तहजीब है? ये जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई और इनके हैंडलर्स, ये औरतों के अंदर जिस तरह उनके ऊपर खौफ और हरासा फैलाते हैं, ये इस मुल्क के अंदर कभी हुआ पहले? कितना खतरनाक है, आप मुझे बताएं। फ्रांस के अंदर, फ्रांस के अंदर आप देखें कि वहां पुलिस खड़ी होती है सामने, प्रोटेस्टर्स खड़े होकर पेट्रोल बम मार रहे होते हैं उनके ऊपर, कभी किसी ने गोली चलाई है वहां? कभी किसी के घरों में जाके लोगों को उठाया, गिरफ्तार किया है? वो जब सामने होते, कभी कभी कोई लाइन क्रॉस करता है वहां, तब तो गिरफ्तारी हो जाती है। घरों में छापे मारते, आज सबके घरों में छापे पड़ रहे हैं, और सारी लीडरशिप अंदर डाल दी है जिनमें, इसके बहाने में। और फिर मुझे ये जरा समझाएं, ये टीवी के ऊपर कैसे एकदम मीडिया पर क्लैंप डाउन हो गया? जैसे ही मुझे गिरफ्तार किया, सारे मीडिया पे सेंसरशिप, सिर्फ एक सरकारी वर्जन चला जा रहा था, और वो हमें पता किधर से आ रहा था, हैंडलर्स उनका वर्जन चल रहा था। चाहे जो भी चैनल हो, जो कि पहले हमें दिखाती थी, सब चैनल्स एक ही चलाने शुरू हो गए कि जी शर्पसंद शर्पसंद है पाकिस्तान पीटीआई, एक ही चीज चलनी शुरू हो गई। हमें पता है किधर से फीड है, एक तो हमें अकल भी इतनी नहीं है कि थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो, सबको एक ही फीड दे रहे थे कि शर पसंद हैं, ये हैं, इन्होंने वो किया। और उसके बाद मीडिया के ऊपर क्लैम्प डाउन के लिए चैनल्स के ऊपर पड़ गए। उसके अलावा अब मुझे ये समझाएं कि इमरान रियाज खान किधर गायब किया हुआ है? क्या उसका कसूर ये है कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इसकी लाइन पे चलता नहीं है? क्या इसका ये कसूर है, इसलिए वो पहले उसे उठाया, उसे गायब कर दिया? और मुझे खतरा है, मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, इसके ऊपर तशद्दुद करेंगे, क्योंकि हमारे कई लोगों के ऊपर, आजम स्वाति और मैं कई लोगों को बताऊंगा, अली अमीन, इनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, और मुझे खौफ है कि इसके ऊपर भी तशद्दुद करेंगे। क्योंकि इमरान रियाज आखिर में कह रहा था, एयरपोर्ट जा रहा था, मुल्क छोड़ के जा रहा था, जब उसको एयरपोर्ट से पकड़ा है, उसको भी खौफ था कि अरशद शरीफ से जो हुआ है वही लोग उसी से वही करेंगे, और उसको अब जेल में रखा हुआ। मैं सारी कौम को कहना चाहता हूं, आपको सबको अपनी आवाज उठानी चाहिए कि एक सहाफी के पीछे, जिसकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, उसकी यूट्यूब पे व्यूअरशिप देखें, उसको टीवी चैनल में नहीं काम करने देते क्योंकि ये उनकी लाइन फॉलो नहीं करता, उसके ऊपर उसको खतरा ये है कि या उसके ऊपर बड़ा तशद्दुद करेंगे, और हमें यह भी डर है कि उसको उसको मार ना दे, क्योंकि अभी तक वो पुलिस कह रही है जी हमें नहीं पता वो किधर गया, हमें पता है वो किधर है, मुझे पता है वो किधर है, और इसके ऊपर कुछ हुआ तो फिर ये लोग जिम्मेदार होंगे, वही जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल किया था, जो जिम्मेदार है मेरे ऊपर, जिन्होंने कातलाना हमला करवाया था, फिर उसको भी उठा के ले गए। और यह मकबूलान को, बुजुर्ग आदमी है, यानी ठीक है, वो उसकी अपना राय है, उसकी अपनी फॉलोइंग है, क्योंकि वो आपकी ऑफिशियल लाइन के साथ नहीं है, क्योंकि वो भेड़ बकरियों की तरह आपकी लाइन पे नहीं चल रहा, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं है, उसको उठा के ले गए। आफ्ताब इकबाल, आफ्ताब इकबाल को पकड़ के ले गए, उसको जरा छोड़ दिया, लेकिन उसको उसको भी उठा के ले गए, उसकी तो लाइन ही कुछ और है, लेकिन क्योंकि शायद उसने इमरान खान के लिए कोई प्रोग्राम कर दिया होगा। यानी ऐसा, ये ऐसी फैशिज्म, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ये कौन से मुल्क में, किस जमहूरियत के अंदर ये तमाशे हो रहे हैं, यानी जिस तरह का जुल्म हो रहा है। उसके बाद जब पब्लिक का रिएक्शन आया, तो ये पब्लिक का रिएक्शन से बहुत ज्यादा आना था, जहां तक मुझे पता है, ओवरसीज पाकिस्तानी, अब वहां तो हमने कुछ नहीं ना किया, वहां तो हमारा कोई पीटीआई का वर्कर नहीं था। आप देखें कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी
जो सबसे बड़ा असासा है इस मुल्क का, जिसकी वजह से इंशाल्लाह पाकिस्तान उठेगा। हमें कोई IMF नहीं उठाएगा, कोई जो हमारे दोस्त मुल्क है उनसे भीख मांग के नहीं, ये उठाएंगे हमें। इनका रिएक्शन देखिए कैसा है, एकदम निकले हैं वो लोग। और वो क्यों निकले हैं? क्योंकि वहां उनको पता है कि ऐसी हरकतें जमहूरियत में नहीं होती, आजाद मुल्कों में ऐसी हरकतें नहीं होती। वो बाहर बैठे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूं मगरब में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, पराए मुल्क हैं, उनको इस मुल्क से ज्यादा आजादी है, वहां वो ज्यादा आजाद हैं, क्योंकि वहां रूल ऑफ लॉ है, उनके हकूक की हिफाजत करते हैं वहां के कानून और उनकी अदलिया, वो आजाद लोग हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। यहां इन्होंने इतना खौफ और हिरासा फैला के, डरा के, डंडे मार मार के लोगों को समझ रहे हैं कि कंट्रोल कर लेंगे। मैं आज फिर से याद कराना चाहता हूं ईस्ट पाकिस्तान का, मेरी जिंदगी में हुआ ईस्ट पाकिस्तान। मार्च 1971 के अंदर मैं वहां मैच खेलने गया था ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 के खिलाफ। हमारा जो जहाज वापस आया था वो आखिरी जहाज था। मुझे अभी भी याद है कि कितनी नफरत हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, हमें तो यह पता ही नहीं था। इसी तरह जिस तरह आज मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, तब ये मीडिया कंट्रोल कर रहे थे। फर्क यह है कि आज सोशल मीडिया है, और इन्होंने सोशल मीडिया ही बंद कर दिया इस दौरान, क्योंकि ये अपना वर्जन देना चाहते थे कि शर पसंद और बताना चाहते थे, इन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया, फेसबुक, ट्विटर। मुल्क को कितना नुकसान हुआ सिर्फ इसलिए कि जनाब इमरान खान को पकड़ना था तो रिएक्शन इन्होंने नहीं दिखाना था कि उसका रिएक्शन क्या है। तो ईस्ट पाकिस्तान में यही हुआ था। हमें यहाँ कंट्रोल मीडिया, पाकिस्तान टाइम्स, हमें यहाँ PTV था। वो मैं तो इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, उधर मुझे पता चला वहां क्या हुआ है। आज हमें समझना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इतना बड़ा जुल्म हुआ। उनकी जो पार्टी इलेक्शन जीतती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना, मुल्क गवा दिया, तबाह करवा दिए, 90,000 हमारे फौजी कैदी बन गए, मुल्क को नुकसान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हुआ। बंद कमरों में फैसले होते हैं, छोटे से थोड़े से लोग बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं बाकी दुनिया कैसे चलती है, वहां बैठ के फैसले कर लेते हैं। क्या उन फैसलों का नुकसान होता है वो भी नहीं पता चलने देते उनकी। जब हमूद रहमान रिपोर्ट लिखी गई, पाकिस्तान में शाया नहीं होने दी, वो इतनी ताकत थी उनकी, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में शाया होती है। मुल्क कैसे नहीं चलते। और मैं जरा ISPR साहब, जरा थोड़ा सा आपने कुछ पीछे, मैं जब जेल में था तो बातें की, मैं उनके कुछ जवाब देना चाहता हूं आपको। देखें, आपने ऐसी बातें की कि सबसे पहले कहा जी मैं दोगला हूं, कि मैं एक तरफ कहता हूं फौज मेरी है और दूसरी तरफ मैं उसकी तनकीद करता हूं या जो भी बुरा भला कहता हूं। आपने कहा कभी फौज को दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितने मैंने पहुंचाया। दूसरा आपने रिमार्क पास किया, और तीसरा आपने कहा कि हम अब क्रश करेंगे इनको। देखिए ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, जरा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब वॉर ऑन टेरर हुई और जो पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई दुनिया में, कि हमारे क्या जी फौज दोगली है, क्योंकि तब मुशर्रफ का माशाल्लाह था, ये हमारे से झूठ बोलती है, करती कुछ है, कहती कुछ है, डॉलर्स हमारे से लेती है और दोगली गेम खेलती है, डबल गेम, दोगला तब नाम इस्तेमाल होता था, पाकिस्तान को वर्ड ही दोगला इस्तेमाल करते थे, डबल गेम का नाम करते थे। जरा इंटरनेशनल मीडिया देखे, किसने अपनी फौज को सबसे ज्यादा जिसकी हिफाजत की, किसने अपनी फौज के साथ
इंटरनेशनल मीडिया पे खड़ा हुआ, जब उसामा बिन लादन, जब वो एबटाबाद में जो वो हादसा हुआ, आपको पता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर जो गुजरिया आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा हमारे से पैसे ले रहे हैं और उसी को अपने एकेडमी के पास एबटाबाद में पाला हुआ। जो हमें जिल्लत मिली तब कौन बोला आपके लिए? या तो कोई सांप सूंघ गया था, या तो आर्मी चीफ के मुंह से चून ही निकल रही थी, या तो कोई बोलता ही नहीं था, ना प्राइम मिनिस्टर था वो गलारी था ना जरदारी। चार पांच दिन सन्नाटा छाया हुआ था, वो आके मार के चले गए। हमारे मुल्क में दुनिया में जलील हुए हम। मैं बोला था मैं सारी जगह अपनी फौज को डिफेंड किया है। मेरे 3.5 साल में देखें कि पाकिस्तान फौज का इमेज ऊपर था या नीचे था, जरा उठा के देखें आपके सामने वो है। क्या फौज का इमेज ऊपर गया या नीचे गया? फौज को लोग पसंद करते थे। जब एक आर्मी चीफ ने मेरी कमर में तो चाकू मारा, लेकिन बदनाम तरीन मुजरिमों को आके ऊपर बैठा दिया, तो क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से? क्या लोग चूंटियां हैं? क्या लोगों में अकल नहीं है? क्या लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे? क्या लोग 30 साल से इन लोगों को नहीं जानते थे? इसी फौज ने, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, जब मुझे ISI ने ब्रीफिंग दिया कि इन्होंने कितना, अब से नहीं 25 साल से मैं सुन रहा हूं कि कितना पैसा इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं। कि जी अब चाइना से वापस आए तो या जरदारी ने ये डील की है, तो फलानी प्रॉपर्टीज, हमें जो उन्होंने प्रॉपर्टीज दिखाई हैं वो इसे अरबों डॉलर्स के अंदर प्रॉपर्टीज है। और एकदम कह रहे हैं कि अब जनाब फैसला एक आर्मी चीफ ने किया है तो भेड़े शराब उधर चले जाए, और उसको कह के जी बड़ा अब बहुत अच्छा किया, और अब इमरान खान बोला ये अच्छे हैं। लोगों ने नहीं तस्लीम किया। मैंने नहीं बुरा भला कहा फौज को, जो आर्मी चीफ के एक्शंस थे उसने इस मुल्क इसकी हमारी फौज को बुरा किया, उसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। और ये कहना कि ये कौम एक्सेप्ट कर जाए उन लोगों को, किसने मेमो गेट किया था? क्या हकानी ने जाके अमरीकनों को नहीं कहा था जो केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में, कि मुझे उन्होंने कहा जरदारी कह रहा है कि मुझे मेरी फौज से बचा लो, अमरीकनों को कह रहा है। क्या जब नवाज शरीफ जाके छुपके खट छुपके मुलाकात कर रहे हैं कि जी मेरी फौज को ना पता चल जाए, और उसे वो जो डॉन लीक्स में जब वो कहता है डॉन लीक्स कि जी दहशतगर्दी इंडोर्स कर रहे हिंदुस्तान को ओपिनियन कि फौज दहशतगर्दी कर रही है, आप उन लोगों को ऊपर बैठा दें और हमें कहें कि हम इन सारों को तस्लीम कर लें, और हम अगर प्रोटेस्ट करें तो हमें जेलों में डाल दें, हम प्रोटेस्ट करें हमारे ऊपर FIR काट दें, हम कुछ करें आप एंटी स्टेट हमें करार दे दें, लेकिन आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। मुझे गोलियां लगी हैं, मुझे पता है किसने कौन जिम्मेदार है। मुझे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड, मुझे यह हक नहीं मिला कि मैं अपनी FIR कटवा सकूं। ISPR फरमान दे रहे हैं कि हमारा तो बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। भाई आप हैं कौन कहने वाले? ये किसने आपको राइट दिया है? मुल्क का आईन ये कहता है कि जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट होता है FIR कटवाना, तफ्तीश हो, फिर वो बेबुनियाद साबित बेकसूर साबित हो जाए, बिस्मिल्लाह। लेकिन आप तो बैठ के फिरौन की तरह फरमान पास कर रहे हैं कि जी वो तो हमारा, मैंने तो गलत इल्जाम। और ये कहना कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। इमरान खान को 50 साल ये कौम जानती है। इस कौम की तारीख में अगर किसी एक आदमी को इस कौम ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, जो सबसे ज्यादा खैराती काम, वो इमरान खान कर रहा है। और वो क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो दयानतदार आदमी है, वो चोरी नहीं करता पैसे, वो सच बोलता है। अदालत के अंदर जब मेरा केस लगा फ्लैट का, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा सादिक और अमीन है, आपको किसने इजाजत दी है कि ये कहना जी झूठ बोल रहा है या दोगला है? आपको शर्म आनी चाहिए। कभी ISPR ने इस तरह की बातें नहीं की। आप तो कूद के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बना लें अपनी। और मैं उसके अलावा
मैं आखिर में कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा है इस चीज़ के ऊपर कि इस तरह के इल्ज़ाम लगाने और आपको पता ही नहीं आप बात क्या कर रहे हैं और उस आदमी पर लगा रहे हैं जिसको हमेशा वो चाहता है कि उसकी फौज मजबूत हो। और मैं आपको ये बताऊं, मैं ड्रामे नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पैसे मुल्क से बाहर नहीं पड़े हुए, मेरी कुछ मैंने भाग के मेरे ऊपर 145 केसेस से मुल्क छोड़ के बाहर नहीं भागा। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ECL पे ना डालना, मैं डालो मुझे ECL पे, मैं जाना नहीं चाहता मुल्क से बाहर। और मैं ये आपको दूसरी बात बता दूं, वो लोग जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, जिनके साथ आज हमारी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं, अब जब रुपया 300 क्रॉस कर गया डॉलर, तो उनको क्या फायदा नुकसान हुआ है? उनकी तो दौलत डॉलर्स में पड़ी हुई है, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन सारा तनख्वाहदार तबका, पुलिस, सरकारी नौकर, हमारे फौजी, सारों को आज उनके घरों में पूछें कि उनके ऊपर क्या हालात है, पूछें ना जरा उनकी बीवियां बेचारी जो बेचारी देख रही हैं कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उनकी जो जब बाजवा ने हमारी गवर्नमेंट गिराई थी तो जो 100 रुपया था वो आज सिर्फ मुश्किल से 55-60 रुपया खरीद सकता है, उसकी कीमत सिर्फ 55 से 60 रुपये, और अब रुपया और गिरा है तो अब और नीचे चली जाएगी, महंगाई और बढ़ जाएगी। कौन जिम्मेदार है इसका? इमरान खान जिम्मेदार नहीं है। आज जिस आदमी ने साजिश करके गिराया वो जिम्मेदार है। और अगर आप में बर्दाश्त हो तनकीद की, क्योंकि तनकीद से इस्लाहत हो, माशरे से, अदारे से, एक इंसान, आप तनकीद ख़त्म कर दें वो मर जाता है। सोवियत यूनियन क्यों टूटी? क्योंकि वहाँ तनकीद ख़त्म थी। वो हम भी इसी तरह के जिस तरह आप आज कर हरकतें कर रहे हैं कि जो मुंह खोलता है उसके ऊपर पड़ जाते हैं, वहाँ भी यही हो रहा है, हो रहा था, टूट गया। जो भी माशरा आगे बढ़ता है उसके अंदर तनकीद की इजाज़त होती है। हम अपने बच्चों की तनकीद करते हैं, ये मैं दोगला नहीं हूँ, अगर मैं अपने बच्चों की तनकीद, मैं उनसे प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से उनकी इस्लाह के लिए तनकीद करता हूँ। ये कोई फरौनियत ही नहीं है कि आप हमारी जरूरत नहीं, हम कोई आपके कमी है कि हम तनकीद नहीं कर सकते, कि हम तनकीद करेंगे तो जनाब हम अब एंटी स्टेट हो गए, गद्दारी का पर्चा हो गया। और देखें हो क्या रहा है, ये जो हुआ है, कान खोलें अपने और आंखें खोलें, ये मुल्क किधर जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है। इस वक्त वक्त है आपका कि अंदर से इस्लाहत हो, ये डंडे मार के और ये हमें सारे पकड़ दकड़ से कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि इसी तरह का क्रैकडाउन इस पाकिस्तान में भी था, कुछ नहीं हुआ। कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को डंडे मार के और जेलों में डाल के नहीं खत्म कर सकता। सो मेरी अगर आपकी सुननी तो नहीं आपने, लेकिन मेरे ख्याल में कि आपको इस वक्त आपस में एक बड़ा सर्कल रखना चाहिए, छोटे से बंद कमरों से बाहर निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि मुल्क तेज़ी से जो तबाही की तरफ जा रहा है इसको हम कैसे बचा सकते हैं। मेरी तजवीज़ें आप सुन लें, मैं अपनी कौम के लिए कौम से बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमने कौम ने अब फैसला कर लिया, हम ये ग़ुलामी कबूल नहीं करते। जो कौम निकली है, मैं उन शर पसंद की नहीं बात कर रहा जो मेरे ख्याल में जान के अंदर डाले गए हैं, और इंशाल्लाह ये होगी जब भी तहकीकात तो ये सामने आ जाएगा, क्योंकि या तो हमारी तारीख होती ना कि हम ये इस तरह के गोलियां चला रहे होते या कुछ कर रहे होते, जला घराव कर रहे होते, तो उसकी तो 27 साल में तारीख होनी चाहिए थी। ये एकदम क्या हुआ है? और अगर मैं जेल में ना होता तो मैं एकदम एक्शन लेता इसके ऊपर, मुझे अंदर बंद कर दिया 4 दिन के बाद, कर दीजिए मेरे ऊपर ही पर्चे कर दिए कि जनाब इमरान खान ने के कहने के ऊपर सब कुछ हुआ, तो पहले क्यों नहीं हुआ इमरान खान के कहने? तो मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, देखिए मेरे पाकिस्तानियों, हमने हर सूरत अपने आप को आजाद करना है। ये जो गुलामी की जिंदगी है, ये कोई जिंदगी नहीं है। ये जिस जिंदगी के अंदर, यानी जिस जिंदगी के अंदर आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, आपके कोई हकूक ही नहीं है, ताकतवर जो मर्जी चाहे कर सकता है, जुल्म हमारे पे करता है, केसेस ही हमारे पे कर देता है, अब सारे केसेस हमारे पे हो गए। ये लोग कौन मरे हैं? खैर मुझे तो अभी तक पता नहीं, कई दर्जनों लोग बेचारे शहीद हुए हैं और कोई किसी के पास हथियार नहीं था जिसको शहीद किया। तो
एक तो मैं ये भी आज कह दूं कि हर जो भी, मैं अपनी सारी पार्टी को कह रहा हूं कि सब ने जो जो इनके घरों में जाना है, जिनको गोलियां लगी, जो शहीद हुए, इन सब के घरों में जाना है, मैं इंशाल्लाह इनके लिए पैसे इकट्ठे करूंगा। हमने इन सब के लिए, हम इनके घर वालों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सब जो मैं जानता हूं निकले हकीकी आजादी के लिए। मैं शर पसंद को नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि जिन्होंने, और फिर से मैं कहता हूं तहकीकात करवानी चाहिए कि कैसे वहां से उधर से लिबर्टी चौक से सारा रास्ता गए हैं कोर कमांडर के घर, क्यों नहीं किसी ने रोका उनको? और थोड़े से लोग थे, मुझे जो बताया इतने लोग भी नहीं थे। कोई प्लान था, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं नहीं अभी कह सकता, मैं मेरे मुझे खदशा है क्योंकि हमने पहले कभी नहीं किया। तो मैं सबसे पहले अपनी सारी कौम को अब ये कहना चाहता हूं कि कल 5:30 बजे, ये बड़ा गौर से सुनना है मेरी बात, आप कल 5:30 बजे आपने, और मैं खास तौर पे अपनी आप ख्वातीन को कह रहा हूं, क्योंकि मैं मुझे जो असल नजर आ रहा है कि घरों के अंदर इनकलाब आ गया, हमारी ख्वातीन समझ बैठी हैं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, और शायद क्योंकि उनका घर का वो देख रही है कि कितने पैसे में कितना सौदा आता है, वही तो वो तबाही एक साल में जो हुआ है, लेकिन वैसे भी इनकलाब हमेशा यूथ और ख्वातीन लेके आती है। तो मैं अपनी ख्वातीन को कहना चाहता हूँ और अपने बुजुर्गों को कि आपने सिर्फ मेरी आज गौर से बात सुनी, अपने घर से अपने बाहर निकलना है, आपकी गली के आखिर में जो, या आपकी गांव या गली के आखिर में आपने सिर्फ निकल के एक अपने हाथ से लिख के एक प्लेकार्ड जिसमें होना चाहिए हकीकी आजादी, ऊपर हकीकी आजादी और नीचे आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ, क्योंकि आइन होता है तो, अगर आइन होगा तो मुल्क भी होगा और आजादी भी होगी। तो ये आपने सिर्फ हकीकी आजादी, आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ, एक प्लेकार्ड पर रखे, आपने सिर्फ अपनी गली से निकल के खड़े हो जाना है 1 घंटे के लिए, मेरे लिए, अपने मुल्क के लिए, 5:30 से 6:30 तक आपने निकलना है कल। और उसके अलावा मैं अपने जिधर से जलसा, मैंने जलसा करना था मुरीद के से, मैं शुरू कर रहा था अपने जलसों की कैंपेन, लेकिन बीच में मुझे पकड़ लिया इन्होंने, तो मैं बुध से फिर पिछले मुरीद के से शुरू करूंगा और उसके बाद मैं अपने अगले जलसों की कैंपेन अनाउंस करूंगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज़ादी कभी भी आसानी से नहीं मिलती, आज़ादी छीननी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये है आज़ादी की हमारी जद्दोजहद, ये जहाद है। मैं ये चाहता हूँ कि एक तो आपने कल बहुत ज़रूरी निकलना है, बताना है कि जिंदा कौम है, हम आज़ादी चाहते हैं, सिर्फ अपनी गली से बाहर, अपने गांव से जिधर भी हैं निकल के जमा होके इकट्ठे खड़े होके प्लेकार्ड्स पे कहना है हकीकी आज़ादी, आइन बचाओ, मुल्क बचाओ। दूसरी चीज़ कि मैं ये अब चाहता हूँ सारों से, सबको, अब मैं सबको कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले अपने पुलिस वालों को कह रहा हूँ कि देखिए आगे से जो पुलिस के अफसरान हैं, इनको जब पैगाम आता है ना, वो जी चिड़ियाघर से या पारा से प्लान आ गया कि जी आपने ये, थोड़ा सा ज़रा खौफ खुदा अपने अंदर पैदा करें, रिस्क अल्लाह के हाथ में, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता। जब ये आपको नाजायज काम के लिए हैंडलर्स कॉल करते हैं, इनको कहें मैं नहीं करूंगा, अल्लाह ला इला इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है उसके अलावा, ये हैंडलर्स कोई खुदा नहीं है, ये डरा के धमका के जो आपसे काम करो, कहें मैं नहीं करता। मैं अपने जजेस और खास तौर पे आज सलाम करता हूं अपनी जुडिशरी को कि हमें सब उम्मीद उधर सी है। मुझे पता है जजेस के ऊपर कितना प्रेशर डाल, ये हैंडलर्स ना मालूम नंबर से टेलीफोन या कोई फाइल पकड़ा दीजिए कि टेप कोई रख लिया, ये कुछ कर दिया। सारी मैं जुडिशरी से कहता हूँ, इस मुल्क की खातिर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर, इनको कहें हम कौन सी कानून के मुताबिक आप मुझे कॉल कर रहे हैं, किसने आपको ये इजाज़त दी है कि मुझे कॉल करके कहेंगे जी ऐसा फैसला करना और वैसा फैसला करना। ये वक्त आ गया, देखें आजादी का वक्त आ गया है, अब कहें मैं नहीं करता,
मैं सहाफियों को कहता हूं, जिस तरह इमरान रियाज और जो मर्जी कहें, वो अपनी अपनी जमीर के मुताबिक फैसले करते हैं, इसलिए तो लोग इनको देखते हैं। मैं बाकी सहाफियों को भी कहता हूं कि जो भी ये कौन लोग हैं जो आपको हुक्म, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत आपको हुक्म कर रहे हैं कि जी ये फलाना करो, तो इसको अच्छा करो, इसको बुरा करो, अपने जमीर की आवाज सुने। ये सारे आजाद माशरों में ऐसे होता है, किसी आजाद माशरे में कोई आपको टेलीफोन करके हुक्म नहीं करता कि आज इस टीवी चैनल पर इमरान खान को ना दिखाओ, क्योंकि बाहर की चैनल तो व्यूअरशिप पर देखती है। अगर इमरान खान की ज्यादा व्यूअरशिप है वो दिखाएंगे, अगर नहीं है वो नहीं दिखाएंगे। यहां बकायदा कॉल, अच्छा हम तुम्हें पैसे देंगे इमरान खान को ना दिखाने के लिए। सहाफियों को भी, मालिकान को भी, सबको कहता हूं, देखें ये मुल्क ऐसे चलेगा नहीं, कोई मुल्क नहीं ऐसे चल सकता कि ये जो बाहर से ऑर्डर्स आते हैं, नामालूम अफराद पीछे के बंद कमरों में गलत बलत फैसले करते रहते हैं, मुल्क का बड़ा घर करते रहते हैं। टाइम आ गया आपका, नहीं हम करते, हम आइन के मुताबिक चलेंगे, हम कानून के साथ खड़े हैं। मैं पार्टीज को, अपने सोशल मीडिया को, सारों को, जो भी आपको टेलीफोन करके अब कहना के धमकियां दे कि जी इमरान खान ने काटा डाल दिया, जो मर्जी डाले, हम खड़े हैं, हम जमीर के साथ चल रहे हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले लोग हैं, अल हक है वो, हम राय हक पे खड़े हैं, जान भी चली जाए तो हम खड़े रहेंगे। और आप अंदर से ही कौम आजाद होना शुरू हो जाएगी और ये पीछे हट जाएंगे, लेकिन खौफ के ऊपर ये सारा मुल्क कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। मुझे इजाजत मिल गई, अदालत ने मुझे इजाजत दे दी, कल सारे बेल मुझे मेरे हो गए, मुझे जाने ना थे वहां से, बिठा दिया जे जहां वहां, एक घंटा हो गया, दो घंटे हो गए, तीन घंटे हो गए, मैं बैठा हूं, पता चला जनाब नामालूम अफराद ने भी इजाजत नहीं दी, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रही है कैसे हो गया। सुनो जी मैं वहां बैठा हूं, तो इसलिए मैं अपनी कौम को, सबको आखिर मैं सिर्फ ये कहता हूं कि वक्त आ गया इस मुल्क को, अब हम अपनी तकदीर बदलें। कल आपने ज़रूर निकलना है शाम को 5:30 बजे, अपने मुल्क के लिए, अपने आइन को बचाने के लिए, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।